लड़का तो एक ही था, लड़का को खो दिया, फिर अभी दुखी नहीं हुआ क्योंकि देश के लिए तो प्राण आहुति दिया, कुर्बानी दिया, इसीलिए दुखी नहीं हूँ। We don't feel that 25 years have passed. We feel that people, those who have martyred for the country, they are great, they are brave, and they are the people, those who have sacrificed their lives for our tomorrow. We feel proud of it because we don't feel that 25 years have passed. And as a matter of fact, these 25 years have gone without war. Okay, and we feel that people, those who have martyred for the country, they are great, they are brave, and they are the people, those who have sacrificed their lives for our tomorrow. We still feel proud that I have come from Golaghat, Assam, and I still feel proud for my son, Captain Jintu Virchakra. You also fought in the war, sir. How challenging the war was? Yeah, war is... On the lower side and the enemy was on the top side. So how challenging the fight was, sir? Yeah, war is always a challenging one because I have seen 1962 Chinese aggression, 65 Pakistan war, 71 again Bangladesh liberation. These all wars I have seen. I was in Air Force. So these challenges have been taken by the young boys and girls now. And we are proud for those young boys, those who are still planning to come to the armed forces. लड़का तो एक ही था, लड़का को खो दिया, फिर अभी दुखी नहीं हुआ क्योंकि देश के लिए तो प्राण आहुति दिया, कुर्बानी दिया, इसीलिए दुखी नहीं हूँ. दुखी होता हूँ तब तो देश को रक्षा के लिए तो प्राण आहुति दिए. क्या कुछ चीजें एक माँ के ऊपर बीतती है जब उसका बेटा देश के लिए अपनी जान को न्योछावर करता है, और जब आप इन घाटियों को देखती हैं, माउंटेन्स को देखती हैं, इन चोटियों को देखती हैं, तो क्या आप अपने बेटे का रक्त इन घाटियों में दिखाई देता है? बेटा तो देश के लिए प्राण आहुति दिया, बहुत अच्छा काम किया क्योंकि देश को रक्षा किया, उसीलिए वो मेरे को दुख लगा तो बहुत खुशी हूँ क्योंकि देश को सबको अभी रक्षा किया ना, उसी वजह. अब भी जब याद करती हैं आप अपने बेटे को तो क्या भावुक होती हैं या फिर खुश होती हैं कि बेटा देश के लिए अपना जान न्योछावर कर गया? और अभी बोला बटोर बोला अब हम 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तो इस 25वीं वर्षगांठ पर यहाँ पर मौजूद हैं आप. 500 से ज्यादा जवानों ने अपने जान को न्योछावर किया था कारगिल युद्ध में, उनमें से कई माओं ने अपने बेटे को खो दिया, कई जो बीवियां थी उन्होंने अपने हस्बैंड्स को खो दिया. तो वॉर जो है वो एक तरफ तो जीत लाता है, दूसरी तरफ हार लाता है, लेकिन माओं के ऊपर दुख बीतती है, उन पत्नियों के ऊपर दुख बीतती है, उस पर क्या? दुखी तो बहुत होता हूँ बेटा क्योंकि एक ही बेटा था, फिर वो तो देश के लिए प्राण आहुति दे दिया, उसके लिए बहुत खुशी हूँ क्योंकि देश को रक्षा किया, माँ पापा हम लोग को छोड़ के पूरा देश के लिए सोच रहा था, उसी वजह से हम लोग खुशी हूँ.